जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान होना बहुत ही खुश नसीबी की बात होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रॉब्लम्स के चलते अपनी जिंदगी को ही पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। ये कहानी सुसाइडल फैंटेसी पर आधारित है, जो कि एक कोरियन ड्रामा है और जिसमें हमें ग्रिम रिपर्स देखने को मिलेंगे, जिनका काम होता है सुसाइड करने वाले लोगों को सुसाइड करने से रोकना। लेकिन इसके बीच में उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। तो कहानी के मेन कैरेक्टर जांगवू का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो आधा इंसान और आधा आत्मा बन जाता है। लेकिन ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जांगवू की इन सब में कोई गलती थी या फिर नहीं, और इसमें कैसे कैसे टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो कहानी की शुरुआत गौरियन नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है, जो कि एक ग्रिम रीपर है और वो एक सुनसान जगह पर पहुंचती है। फोन पर अपने साथी सैम से बात कर रही होती है। गौरियन एक वैन के पास में खड़ी हुई थी, जिसमें अंदर बैठे लोगों की प्रोफाइल सैम चेक कर रहा था अपने फोन में, जिससे कि उसे ये पता चलता है कि उन सब के सुसाइडल रेट 90% हो रखे थे। साथ ही चेक करने पर उसे ये भी पता चलता है कि ये सारे लोग सोशल मीडिया के ग्रुप सुसाइड टुगेदर पे मिले थे, जिसमें वो सारे तरीके बताए जाते थे जिसमें लोग बिना किसी दर्द दुख और तकलीफ के आसानी से कैसे मर सकते हैं। सब कुछ जानने के बाद गौरियन वैन में लगे स्लीपिंग गैस के पाइप को निकाल देती है, जिससे कि वो लोग मरने की कोशिश कर रहे थे, और वैन को इतनी हाई स्पीड में चलाने लग जाती है। वैन बस से टकराने वाली होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता रियलिटी में। वो दो बस के बीच से निकल जाती है। मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर वो चारों बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं और अपनी जान की भीख मांगते हुए बोलते हैं कि हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। गौरियन बोलती है कि थोड़ी देर पहले ही तुम लोग मरने की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे और अब तुम लोग जीना चाहते हो। वो चारों बहुत ज्यादा डर चुके थे, रोते हुए बोलते हैं कि हमें माफ कर दो, हम अपनी जान की कीमत समझ चुके हैं और ऐसी गिरी हुई हरकत अब दोबारा नहीं करेंगे। जिसके बाद गौरियन वैन को एक टूटे हुए ब्रिज के ऊपर खड़ा कर वहां से उधर चली जाती है। सैम उनकी प्रोफाइल फिर से चेक करता है और ये पता चलता है कि उनका सुसाइडल रेट अब बहुत ही ज्यादा घट चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हमारा हैंडसम हीरो वॉन्ट जो दिखाया जाता है, जो कि 3 साल से ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे कोई जॉब ही नहीं मिल रही होती, और फाइनली वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा हुआ होता है, जहाँ पे सारे आंसर बहुत ही अच्छी तरह से दे रहा होता है, और जो उसके साथ वाली लड़की होती है वो आंसर सही से दे नहीं पा रही होती है। तो इसलिए वॉन जो सोचता है कि ये जॉब तो उसे ही मिलेगी, वो काफी खुश हो जाता है और अपनी मॉम को ये सारी खुशखबरी दे ही रहा होता है। लेकिन तभी बॉस को उस लड़की के साथ में देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये उनकी कोई रिश्तेदार है और ये जॉब वोंगजो की बजाय उस लड़की को मिल गई है, जिसे वोंगजो काफी दुखी हो जाता है। वहीं उसकी मॉम, जिनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वो अपने सारे कस्टमर्स को फ्री में खाना देने लग जाती है, क्योंकि आज उनके बेटे की जॉब लगने वाली थी। ये सोचकर वोंगजो बेचारा अपनी किस्मत का मारा दोस्त के पास जाता है और बहुत ज्यादा शराब पीने लग जाता है। उसके रोकने पर भी नहीं रुकता, क्योंकि वो स्ट्रगल करते करते परेशान हो चुका था। जिसके बाद अपने घर जा रहा होता है, वही ब्रिज पर देखता है कि एक आदमी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी तो वोंगजो से ही लड़ने लग जाता है कि मेरे रास्ते में मत आओ। गौरियन और सैम भी एक दूर ही बिल्डिंग पे खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वोंगजो उन्हें नोटिस करता है, जो कि देखते ही देखते उसके एकदम सामने आ जाते हैं। गौरियन से जोर से किक मारती है, वोंगजुन जाकर पीछे गिरता है। सैम उसे चेक करता है और वोंगजुन बिल्कुल ठीक था। गौरियन के ये पूछने पर कि तुम क्यों मरना चाहते हो, वो आदमी कहता है कि मैं एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा हूँ जो कि शायद जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकती। गौरियन उसे बहुत समझाती है कि मरने के बाद तुम वैसे भी नर्क में जाओगे, क्योंकि जो लोग भी सुसाइड करते हैं वो नर्क में जाते हैं, और जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द दिया जाएगा और वो तुम बिल्कुल झेल नहीं पाओगे। लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता और फिर से वो कूदने की कोशिश करता है, जहाँ पर तभी वोंगजो आके उसे पकड़ लेता है, जिसे बचाने के चक्कर में दोनों ही डिसबैलेंस होकर नदी में गिर जाते हैं। सैम का तभी अलार्म बजाता है, गौरियन से ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है कि यहाँ पर तुम सब कुछ संभाल लोगी ना, मुझे घर जाना है। दोस्तों, मैं आपको बताती चलूं कि सैम की खास बात यह है कि वो सिर्फ 8 घंटे ही काम करता है, और उसके बाद जिस भी केस पर वो काम कर रहा होता है उसे बीच में छोड़कर ही भाग जाता है। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, जो कि आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। वेल, तो गौरियन डूबते हुए वोंगजो को बचा लेती है। हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है, गॉड को थैंक यू बोल रहा होता है कि फाइनली वो बच गया। लेकिन 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 जैसे ही अपने हाथ देखता है, वो सफेद पड़ चुके थे और साइड में पड़ी अपनी बॉडी को देखता है, बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। जहाँ पर तभी गौरियन पहुंच जाती है और उसे देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मरने वाला था।
गौरन के ये बोलने पर कि मैं एक ग्रिम रीपर हूँ, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है, वंशु कहता है कि मैं दो जगह पर कैसे मौजूद हो सकता हूँ, मैं जिंदा हूँ या सच में मर गया हूँ। गौरन उसे कहती है कि तुम 3 साल के लिए कोमा में जा चुके हो और साथ ही वो ओल्ड मैन जिसकी तुमने जान बचाई थी वो जिंदा है। ये जानने के बाद तो वंशु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वंशु बोलता है कि सारी जिंदगी मैंने अपने लिए जॉब ढूंढी और अब मेरा ये हाल है, मैं 3 साल के लिए कोमा में पहुंच चुका हूँ, ऐसी जिंदगी के होने से अच्छा तो ना ही हो। वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। गौरन उसे ये कहते हुए सांत्वना देती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती शायद हम लोगों की भी है और इसलिए अब तुम मेरे साथ चलोगे और अब तुम्हारा फैसला डायरेक्टर ही करने वाली है। गौरन की चुटकी बजाते ही वंशु को बॉडी मिल जाती है और वो उसे अपने साथ में एक मिस्टीरियस जगह पर ले जाती है जहाँ दरवाजों के अंदर बहुत सारे दरवाजे होते हैं। वंशु तो बहुत ज्यादा डर रहा होता है, बोलता है कि मैं यहाँ पर आ तो गया लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे। गौरन उसकी बातों पर मुस्कुरा रही होती है, साथ ही वो लोग नर्क के रास्ते से भी गुजरते हैं जिसे देख कर तो वंशु की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, जिसके बाद फाइनली वो लोग आफ्टर लाइफ ऑफिस में पहुंच जाते हैं जिसे देखकर वंशु बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सब लोग अपने अपने टीम का काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे ग्रिम रीपर वहां पर होते हैं जहां पर तभी डायरेक्टर पहुंच जाती है। पहले तो वो किसी और रूप में होती है लेकिन फिर फाइनली अपने रियल फेस में आ जाती है, व्हाइट कलर का गाउन पहना होता है जिसे देखकर वंशु शॉक में रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैकब को दिखाया जाता है जो कि एक बार में गैंगस्टर की आत्मा को लेने के लिए पहुंचा हुआ था। जैकब भी एक ग्रिम रीपर है जिसका काम सोल को कलेक्ट करना है। गैंगस्टर उन सारे ग्रिम रीपर्स पर हमला कर रहा होता है लेकिन जैकब के पकड़ते ही वो उन सबसे माफी मांगने लग जाता है, बोलता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन जैकब कहता है कि अब इन सबका कोई फायदा नहीं है क्योंकि नर्क तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमने अपनी लाइफ में बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर वंशु से बात कर रही होती है और उसे 2 ऑफर देती है जिसमें पहला ऑफर ये था कि तुम अपनी बॉडी में वापस जा सकते हो लेकिन तुम 3 महीने के लिए कोमा में ही रहोगे। सेकंड ऑफर ये था कि तुम हमारे साथ रहकर यहाँ पर 6 महीने के लिए जॉब कर सकते हो और अगर हमें तुम्हारा काम अच्छा लगा तो 6 महीने के बाद तुम्हें तुम्हारी बॉडी भी वापस मिल जाएगी और साथ ही एक अच्छी जॉब भी, लेकिन सोच लो ये काम बहुत ही ज्यादा रिस्की होने वाला है। वंशु फर्स्ट ऑप्शन चूज करता है, डायरेक्टर उसे उसकी बॉडी में भेज देती है लेकिन वहाँ जाकर वो सब कुछ देख पा रहा था, सुन पा रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था और ना ही अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर पा रहा था। सामने उसकी मॉम होती है जो कि उसे देखकर बहुत फूट फूट कर रो रही होती है जिससे कि वंशु को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। डायरेक्टर वापस से वंशु को बुलाती है अपने पास में। वंशु बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी मॉम को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता और इसलिए आपके डिपार्टमेंट के साथ जॉब करने के लिए रेडी हूँ। डायरेक्टर उसे सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बता रही होती है। उसके बाद उसे कोरिया का डिपार्टमेंट दिखाते हुए बोलती है कि हमें इनकी बहुत ज्यादा चिंता है क्योंकि हर दिन 40 लोग अपनी जान लेते हैं और यहाँ का जन्म दर बहुत ही कम होता जा रहा है और इसलिए मैनेजमेंट टीम में बहुत अच्छे से काम करना जरूरी है। साथ ही वो गौरन के पास आकर कहती है कि अगर इस बार तुम्हारी टीम ने अच्छे से काम नहीं किया तो हमें तुम्हारी टीम को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। गौरन रिस्क मैनेजमेंट टीम में थी जिसमें सिर्फ 2 ही लोग थे, उसके बावजूद भी वो डायरेक्टर से कहती है कि मैं सारे केसेस को अच्छे से सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। जोंगवो को भी डायरेक्टर ने गौरन की टीम में ही डाल दिया था जहाँ पर तभी सॉन्ग नाम की एक लड़की की नोटिफिकेशन उन्हें आती है जो कि अपनी जान देने वाली थी। वो लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं, जोंगवो भी उनके साथ में जाता है जहाँ गौरन उसे वार्न करते हुए बोलती है कि अपने काम से मतलब रखना, हमारे मामले में टांग मत अड़ाना और स्मार्टनेस भी मत दिखाना। वो लोग इंसानों की दुनिया में पहुंच जाते हैं, सॉन्ग को ढूंढने लग जाते हैं जहां तभी सॉन्ग की नेगेटिव एनर्जी बस बढ़ती ही जा रही थी। सामने उनको सॉन्ग दिखाई देती है जो जा रही होती है और रोड क्रॉस करते हुए गिर जाती है जहां पर तभी एक बाइक वाला स्लिप हो जाता है जिसकी बाइक जाकर सॉन्ग से टकराने वाली होती है। वंशु भी उसे बचाने के लिए जाता है लेकिन तभी गौरन अपनी चुटकी बजाती है, टाइम स्टॉप हो जाता है, सॉन्ग के सामने से जाकर बाइक को हटा देती है और टाइम फिर से मूव होने लग जाता है। वंशु भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो तीनों फेक मूवी प्रोड्यूसर बनकर सॉन्ग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वो डिप्रेशन में है और इसलिए वो लोग उस पर नजर रख रहे थे। सॉन्ग ने एक फेमस बुक लिखी थी जो कि उसकी रियल लाइफ पे बेस्ड थी और उसमें उसे काफी ज्यादा बुली किया गया था लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता था कि वो बुक सॉन्ग की रियल लाइफ पे बेस्ड है। नेक्स्ट एक लड़की इंटरव्यू देने के लिए आती है, सॉन्ग उसका इंटरव्यू नहीं लेना चाहती थी लेकिन बॉस उसे डांटते हैं और इसलिए उसे जबरदस्ती इंटरव्यू लेना पड़ता है। लड़की का नाम मियो था जो कि बार बार क्लिक का साउंड निकालती है जिससे कि सॉन्ग बहुत ही ज्यादा डर जाती है, बाथरूम में जाकर अचानक से रोने लग जाती है और उसको पैनिक अटैक आने लग जाते हैं। ये सब कुछ गौरन बाहर खड़ी होकर देख रही थी। सच का पता लगाने के लिए गौरन वंशु के साथ में सॉन्ग की याद में जा रही होती है लेकिन तभी सैम का अलार्म बजाता है और वापस से वो बीच में ही काम छोड़कर कहीं चला जाता है।
गॉरन मेमोरी की का यूज करके वॉन्चन के साथ में सॉन्ग की मेमोरी के अंदर जाती है, साथ ही उसे कुछ रूल्स भी समझाती है कि सॉन्ग की मेमोरी में किसी भी चीज को टच मत करना और लोगों को हमारी मौजूदगी का एहसास नहीं होना चाहिए वरना हम हमेशा के लिए ही उसकी याद में कैद होकर रह सकते हैं। जैसे ही वो लोग उसकी मेमोरी के अंदर जाते हैं, वॉन्चो को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में वो लोग सॉन्ग की मेमोरी के अंदर हैं। गॉरन को वहाँ पर मियो भी दिखाई देती है। वो लोग सॉन्ग की हाई स्कूल वाली मेमोरी में थे, जहाँ मियो सॉन्ग को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, अपने दोस्तों के साथ में मिलकर बहुत ही ज्यादा बुली कर रही थी, उसे पीट रही होती है और एक पेन को क्लिक करते हुए बोलती है कि जब जब ये आवाज तुम सुनोगी तुम्हें हंसना होगा वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वॉन्चो को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी गॉरन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अगर उन्हें हमारी मौजूदगी का पता चला या फिर तुमने किसी भी चीज को छुआ तो हम उसकी मेमोरी में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। नेक्स्ट सीन क्लासरूम का दिखाया जाता है। मियो जब जब उस पेन को क्लिक कर रही होती है, सॉन्ग ना चाहते हुए भी सबके सामने हंसने लग जाती है और ऐसे ही वो लोग उसे रोज बुली किया करते थे। सॉन्ग के फ्रेंड एक दिन उसे मियो और उसके बुली दोस्तों से बचा रही होती है, जहां वो लोग उसके फ्रेंड को भी टॉर्च करने लग जाते हैं, लेकिन तभी सॉन्ग उसे रोकते हुए माफी मांगती है और उसके हाथ से पेन छीनकर क्लिक करते हुए हंसते हुए रोने लग जाती है और बोलती है कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, मेरी फ्रेंड को छोड़ दो। जिसके बाद वो लोग फिर से उसे बहुत बुरी तरह से मारने लग जाते हैं और इस बार वॉन्चो उसे देख नहीं पाता और इसलिए वो सॉन्ग को बचाने के लिए पहुंच जाता है। मियो और उसके दोस्तों को वॉन्चो की मौजूदगी का एहसास हो जाता है और देखते ही देखते सॉन्ग की मेमोरी क्रैक होने लग जाती है, वो लोग उसमें फंसने लग जाते हैं। गॉरन फटाक से वॉन्चो को लेकर वहां से भागती है स्कूल के अंदर, लेकिन वहां भी मेमोरी धीरे धीरे टूटने लग जाती है। गॉरन फटाक से उसकी मेमोरी की का यूज करती है और वो लोग सीधा ट्रेन में पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रेन के भी सारे ग्लासेस टूटने लग जाते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके वहां से भागते हैं और फाइनली रियल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। गॉरन वॉन्चो को इन सब के लिए बहुत ज्यादा डांटती है, बोलती है कि हम उसकी याद में हमेशा के लिए फंस सकते थे। साथ ही जैसे ही वो चाबी मांगती है, देखती है कि चाबी तो टूट चुकी थी, जिससे कि गॉरन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है वॉन्चो के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ मीहू अपनी उन्हीं बचपन की दोस्तों के साथ में मिलकर सॉन्ग का मजाक उड़ा रही होती है, उसके बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोल रही होती है। वहीं सॉन्ग भी बहुत ज्यादा बुरी तरह रो रही होती है, क्योंकि मीहू सॉन्ग की लिखी हुई बुक को अपना बोलकर फेमस होने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। वहीं गॉरन और वॉन्चो भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि सॉन्ग अगर अपनी यादों से बाहर नहीं आई तो वो शायद जल्द ही सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है। नेक्स्ट डे मीहू फिर से इंटरव्यू देने के लिए जाती है। साइकोलॉजिकली पेन के साउंड से एक बार फिर से सॉन्ग को परेशान करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वॉन्चो उसके हाथ से पेन छीन लेता है और बोलता है कि इससे मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। मियू उन सबको बता रही होती है कि वो और सॉन्ग स्कूल के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वॉन्चो और गॉरन तो पहले से ही जानते थे कि वो कितनी ज्यादा कमीनी है। फिर जैसे ही इंटरव्यू फिनिश होता है, सॉन्ग सारी सच्चाई अपने बॉस को बताने लग जाती है कि मियो ही वो लड़की है जिसने कि उसे स्कूल में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और मारा था, लेकिन उसके बॉस तो सॉन्ग को ही उल्टा डांटने लग जाते हैं। बोलते हैं कि अपनी हर चीज का ब्लेम दूसरों को करना बंद करो और स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ को बीच में मत घुसेड़ो। ये सुनते ही सॉन्ग बहुत बुरी तरह से टूट जाती है और अब उसके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा था। जहां पर तभी मियो आती है, फिर से उसे टॉर्चर करती है और उसे मारने लग जाती है। गॉरन सैम और वॉन्चो भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। सॉन्ग उनके सामने से भागते हुए छत पे पहुंच जाती है। सॉन्ग का सुसाइडल रेट भी अब 92% पे पहुंच चुका था। ये देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और वॉन्चो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन सॉन्ग तो रुकी नहीं रही थी। गॉरन और सैम भी उसे समझा रहे होते हैं और गॉरन बोलती है कि सुसाइड करने के बाद तुम सीधा नर्क में जाओगी और वो सजा इससे भी ज्यादा बदतर होने वाली है। साथ ही बोलते कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लड़की हो जो कि इन सबसे बहुत ही आसानी से बाहर भी आ सकती है। ये बात तुम बहुत ही अच्छे से जानते भी हो। ध्यान से सोचो, मैं वही सारी बातें बोल रही हूँ जो तुम हर रात सोने से पहले अपने आप से बोलती थी। ये सुनते ही सॉन्ग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन। गॉरन बोलती है कि मैं एक ग्रिम रीपर हूँ जो तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ। जिससे सॉन्ग डर जाती है, डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लग जाती है, जहाँ वो अपनी लाइफ में बिताए हुए जितने भी अच्छे पल थे उन सबको याद करने लग जाती है और सोचती है कि मैं मरना नहीं चाहती। साथ ही उसके अंदर जीने की इच्छा अब जागने लग गई थी, जहाँ पर तभी स्टाइल में जाकर गॉरन उसे बचा लेती है। लेकिन अभी भी सॉन्ग का सुसाइडल रेट 50% था, जो कि शायद अभी भी रिस्की था। जहां पर तभी अचानक से वॉन्चो एक स्टैंड अप कॉमेडियन को ले आता है, जिसकी सॉन्ग बहुत बड़ी फैन थी और उसकी वीडियो देखकर हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है, जिससे कि सॉन्ग एक बार फिर से मुस्कुराती है और अब उसके नेगेटिव रेट भी काफी कम हो गए थे और वो अब सुसाइड नहीं करने वाली है। ये जानकर वो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वॉन्चो भी उसे हग कर लेता है और कुछ लाइफ की अच्छी बातें बताता है।
नेक्स्ट सीन में गौरन सीधा मियू के पास पहुंच जाती है और उसे सॉन्ग से माफी मांगने के लिए उसे एक आखिरी मौका दे रही होती है, लेकिन वो तो मानती नहीं है, वहाँ से जाने लग जाती है। गौरन को बहुत गुस्सा आता है, उसे जोर से उसे पटक के मारती है, सॉन्ग की यादों में भेज देती है जहाँ पर मियू को वही सब महसूस हो रहा होता है जैसा कि बुली होते टाइम सॉन्ग महसूस करती थी। सब कुछ झेलने के बाद मियू काफी रोने लग जाती है, गौरन से माफी मांगती है। गौरन बोलती है कि बस कुछ सेकंड में ही तुम्हारी ये हालत होगी, सोचो सॉन्ग तो ये सब कुछ सालों से झेल रही है। साथ ही वो मियू को न्यूज दिखाती है जिसमें उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी कि वो बच्चों को कितना ज्यादा बुली किया करती थी और वो कितनी बड़ी झूठी है। गौरन वहाँ से ये बोलकर निकल जाती है कि अब यही तुम्हारी जिंदगी है और सुसाइड करने की तो सोचना भी मत, वरना जो कुछ भी तुम अभी झेल रही हो ना, नर्क में तुम्हें उससे भी ज्यादा झेलना पड़ेगा। मियू की फ्रेंड्स उस पर हंस रही होती हैं, जहां गौरन उन्हें भी सॉन्ग की यादों में भेज देती है। साथ ही बॉस का भी सारा भांडा फूट चुका था और वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, जिसके बाद सॉन्ग फाइनली उस बुक को डस्टबिन में फेंक देती है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। सीन शिफ्ट होता है और आफ्टर लाइफ ऑफिस दिखाया जाता है। गौरन ने जोंगवांग को अपनी टीम से निकाल दिया था और इसलिए डायरेक्टर फिर उसे टेक सपोर्ट टीम में डाल देती है, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो लोग भी बहुत खुश थे। लेकिन वांगजु के सामने ही उसकी पहली टीम यानी कि रिस्क मैनेजमेंट टीम के बारे में बहुत ही ज्यादा बुराई करने लग जाते हैं, जिससे कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो कि लोगों को सुसाइड करने से रोकती है। वो कोई फालतू टीम नहीं है और उसे डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। फ्लैशबैक में गौरन को दिखाया जाता है जो कि नर्क में अपनी सजा को भुगत रही होती है। डायरेक्टर उसे मिलने के लिए आती है और गौरन उनसे माफी मांगते ही बोलती है कि मुझे एक चांस और दे दो, मैं जीना चाहती हूँ। डायरेक्टर बोलती है कि सुसाइड करने के बाद तुमने ये रास्ता खुद ही चुना था, लेकिन गौरन के रिक्वेस्ट करने पर वो मान गई थी और उसके साथ में उसने एक डील की थी कि अगर तुम्हें दोबारा जन्म लेना है तो तुम्हें हमारे साथ आफ्टर लाइफ ऑफिस में काम करना होगा, और एक दिन जब वो स्पेशल इंसान जन्म लेगा तो तुम्हें उसे सुसाइड करने से रोकना होगा, जो कि अपनी जिंदगी से तंग आकर मरने के लिए जाएगा, लेकिन तुम्हें उसे रोकना है। गौरन के उसका नाम पूछने पर डायरेक्टर उसे कुछ भी नहीं बताती और हम फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं। वांगजु को अब कोई भी अपनी टीम में लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने सबसे बदतमीजी से भी बात की थी, और इसलिए डायरेक्टर फिर उसे वापस से उसकी बॉडी में भेजने वाली थी जो कि 3 महीने के लिए कोमा में है। लेकिन तभी गौरन एक बार फिर से उसे अपनी टीम में लेने के लिए रेडी हो जाती है। वापस से रिस्क मैनेजमेंट का मेंबर बनने के बाद वांगजु को जान पहचान के लोग ना पहचान पाए, इसलिए उसे एक नया चेहरा दिया जाता है जो कि केवल जिंदा लोगों को ही बदला हुआ नजर आता है। साथ ही उसे नया नाम भी दिया जाता है और उसका नया नाम था जोजो। सैम उसे ग्रिम रीपर का कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसे साइन करने के लिए बोलता है, जिसे कि वांगजु बिना पढ़े ही साइन कर देता है, जिसकी सजा भी उसे काफी अच्छे से मिलने वाली है। आगे वांगजु सीधा अपने घर पहुंच जाता है, डैड की फोटो के सामने रो रहा होता है, उन्हें काफी मिस कर रहा होता है, जहां पर मॉम और उसकी सिस्टर भी पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर वो एक रूम में जाकर छुप जाता है और उनकी इमोशनल बातों से काफी ज्यादा इमोशनल होकर वहां से मौका पाते ही निकल जाता है। लेकिन तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि सोमो नाम का एक लड़का सुसाइड करने वाला है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वही सैम और गौरन को भी ये बात मालूम पड़ जाती है और सैम उसे बोलता है कि हमें वांगजु को इस केस से दूर रखना चाहिए क्योंकि सोमो उसका बेस्ट फ्रेंड है। गौरन बोलती है कि नहीं, समटाइम्स हमें पर्सनल केसेस को भी सॉल्व करना चाहिए क्योंकि उससे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। फ्लैशबैक में वांगजु और सोमो को दिखाया जाता है कि सोमो को क्लास के कुछ लड़के बहुत ही ज्यादा बुली कर रहे होते हैं, जिसे वांगजु जाकर बचा लेता है। दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है और सबकी आपस में धुनाई भी हो जाती है, जहाँ से वो सीधा पहुँच जाते हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर मस्त बैठ के चिकन खा रहे होते हैं। सोमो बोलता है कि ये एक ऐसा स्पेशल चिकन है जो कि हमेशा से ही उसे बूस्ट करता है जब भी वो थोड़ा बहुत भी इमोशनल होता है। तो साथ ही बोलता है कि उसके फादर की डेथ बचपन में ही हो गई थी और उन्होंने ही उसे सिखाया है कि फेलियर का मतलब होता है कि दोबारा ट्राई करो, न कि फेल होकर चुपचाप बैठ जाओ। वांगजु जैसे ही सोमो के घर पहुंचाता है, सोमो गेट खोलता है तो अपने सामने एक अजीब से दिखने वाले आदमी को पाता है, क्योंकि दोस्तों मजाक मजाक में सामने हमारे हैंडसम हीरो को इस अजीब से दिखने वाले आदमी की आइडेंटिफिकेशन में चेंज कर दिया था। सोमो उसे पहचान ही पाता है, इसलिए फटाक से गेट को बंद कर लेता है। वांगजु फटाक से पुलिस स्टेशन में फोन करके उन्हें बुलाता है कि मेरा दोस्त मरने जा रहा है, जल्दी से आइए, लेकिन आते ही वो तो वांगजु को उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि सोमो ने तो पहले ही कंप्लेन करके बोल दिया था कि घर के बाहर कोई इसे परेशान कर रहा है। वांगजु फिर उन्हें अपनी आईडी देता है, लेकिन वो तो उसकी शक्ल से मैच ही नहीं हो रही होती है, इसलिए वो वहाँ पर सबसे झगड़ा करने लग जाता है। लेकिन तभी सैम आता है और उन्हें वांगजु की न्यू आईडी देते हैं और उसे छोड़ दिया जाता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि सोमो इसलिए जान देना चाहता है क्योंकि वो 3 साल से गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है, लेकिन उसे क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है और इसलिए वो थक चुका है और अब हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता है।
जहाँ पर तभी वांगचुक को फ्राइड चिकन की याद आती है, बोलता है कि एक फ्राइड चिकन ही है जो कि सोमो के फेस पे स्माइल ला सकता है और उसको खाने के बाद ही वो खुश हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा फ्राइड चिकन ही खाता है जो 6th स्टैंडर्ड में उसके फादर लेकर आए थे, वो भी एक स्पेशल शॉप से, जिसके लिए उन्हें सोमो की यादों में जाना होगा। यादें धुंधली होती है, इसलिए वो लोग उसे सबसे पहले उसके घर से बाहर निकालते हैं। गॉर्डन और सैम भेस बदल कर सोमो के घर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो तो उन्हें अंदर घुसने ही नहीं देता, वहाँ से भगा देता है। वहाँ जो सोमो को मैसेज भेजता है जिसमें लिखा हुआ था कि फेलर का मतलब होता है दोबारा ट्राई करना, ना कि हार कर बैठ जाना। सोमो उसे देखते ही शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये मैसेज वांगचुक ने ही किया है, और वो फटाक से घर से निकल के भागता हुआ सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। बाहर ये तीनों भी भागते हुए उसके पीछे जाते हैं। वहीं उसी हॉस्पिटल में जैकब भी एक सोल को कलेक्ट करने के लिए अपनी टीम के साथ में पहुंचा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि जैसे ही वांगचुक अपनी बॉडी के पास आता है, उसकी बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है और वो भी सांस नहीं ले पाता। जैकब आकर उसे जोर से धक्का मारता है, जिससे कि वांगचुक दूर जाकर गिरता है। सैम और गॉर्डन भी तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैकब टॉन मारते हुए बोलता है कि न्यू मेंबर जो रूल्स नहीं जानता है, टीम मैनेजर जो कि हल से आई है, लगता है कि तुम्हारी टीम बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाली है। जैसे ही जैकब की नजर सोमो के नेगेटिव रेट्स पे पड़ती है, बोलता है कि अपनी टीम को पहले ही भेज दूंगा, क्योंकि लगता है कि ये बहुत ही जल्द मरने वाला है और तुम लोग तो इसे बचा भी नहीं पाओगे, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ सैम वांगचुक भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े जस्ट साइन कर दिया था, जिसमें सबसे बड़ा रूल यही था कि अगर वो अपनी रियल बॉडी के पास गलती से भी पहुंच गया तो उसकी मौत हो सकती है। सैम और वांगचुक दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, जहाँ गॉर्डन उन्हें डांट कर अपने साथ में सोमो के पास ले जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा उदास बैठा हुआ होता है। वांगचुक उसे वैसे ही ड्रिंक में स्ट्रॉ डालकर दे रहा होता है जैसे कि सोमो वांगचुक को देता था, लेकिन हैंडसम वांगचुक की शक्ल में तो उसे वही ओल्ड मैन दिखाई दे रहा था। ड्रिंक के बाद सोमो काफी नशे में हो गया था और इसलिए वो उस ओल्ड मैन को वांगचुक समझकर उससे अपनी सारी बातें इमोशनल वे में बताने लग जाता है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, स्टिल मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, बाकी सब पास होकर निकल जा रहे हैं और मुझे अभी हेल जैसा फील हो रहा है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, जिससे कि सोमो के नेगेटिव रेट्स तो बढ़ते ही जा रहे थे। ये देखकर वो सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद वांगचुक बोलते हैं कि हमारे पास अब फ्राइड चिकन के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। सोमो का ध्यान रखने के लिए सैम को वहाँ पर छोड़कर वो दोनों फिर सोमो की याद में जाने का फैसला करते हैं। गौरिन सीधा डायरेक्टर के पास आती है गाड़ी की चाबी लेने के लिए, जिससे वो सोमो के पास्ट में जा सके। ये सुनते ही डायरेक्टर काफी शॉक हो जाती है कि वो एक फ्राइड चिकन लेने के लिए पास में जाना चाहती है। मिल तो उसे गाड़ी की चाबी मिल जाती है और वांगचुक ब्रांडेड गाड़ियों को देखकर तो उसकी तो बेचारे की आंखें ही चढ़ दिया जाती है। लेकिन गौरिन फिर वांगचुक को सारी अच्छी अच्छी गाड़ियां छोड़कर एक बेकार खटारा सी गाड़ी में ले जाती है, जहाँ वो छोटू सोमो को देखते हैं। सोमो के फादर बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं, क्योंकि स्कूल फीस ना भरे जाने के कारण स्कूल बस सोमो को लिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। सोमो बहुत ज्यादा सैड होता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था जो कि वो अपने दोस्तों के साथ चिकन खाते हुए सेलिब्रेट करना चाहता था। वो काफी दुखी होता है, लेकिन डैड बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे से मनाऊंगा और तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन भी लेकर आऊंगा। लेकिन उनकी शॉप से तो कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा होता है, जिससे कि डैड और भी ज्यादा सैड हो जाते हैं। डैड के वहाँ से जाते ही वांगचुक छोटू सोमो से फ्राइड चिकन की शॉप पूछने लग जाता है, लेकिन वो तो बचा था, शॉप का तो उसे नाम भी पता नहीं था। जहाँ से गौरिन उसका कान खींच कर ले जाती है कि ये सब कुछ तो हम लोग अपने आप ही ढूंढ सकते हैं, बच्चे को तंग मत करो। साथ ही ये भी पता चलता है कि सोमो की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है और डैड के पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है, और इसलिए अब उन्हें भी हॉस्पिटल से निकाला जाने वाला है। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं, देखते हैं कि रेंट ना भरने के कारण उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया गया है, जिससे कि सोमो तो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। डैड भी काफी सैड होते हैं सोमो को हॉस्पिटल छोड़कर, ये बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन जरूर लेकर आऊंगा, जिससे कि यहाँ पे सोमो का नेगेटिव रेट 95 हो जाता है और वो उठकर जाने लग जाता है मरने के लिए, जहाँ सैम उसे बार बार रोक रहा होता है। वहीं गौरिन और वांगचुक सोमो के डैड का पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही तेज गाड़ी चलाकर फ्राइड चिकन लेने जा रहे थे, लेकिन गौरिन समझ जाती है कि वो गाड़ी का एक्सीडेंट करवाना चाहते हैं, जिससे कि उनके मरने के बाद उनकी फैमिली को इंश्योरेंस का सारा पैसा मिल जाए। गाड़ी की बस टक्कर होने वाली होती है, लेकिन तभी गौरिन अपने सुपर नेचुरल पावर का यूज करती है। जैसे ही वो चुटकी बजाती है, टाइम स्टॉप हो जाता है। वांगचुक सोमो के डैड को बहुत ज्यादा समझाता है, लेकिन वो समझते ही नहीं है, जहाँ गौरिन आती है, जोर से उन्हें थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हारे मरने से तुम्हारी फैमिली खुश नहीं बल्कि और भी ज्यादा दुखी हो जाएगी,
उसे बहुत ज्यादा समझाते हुए बोलती है कि सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में दुख नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि दुखी हैं, लेकिन स्टिल वो जीना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो लोग उनसे प्यार करते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। सैम सोमू के साथ तो होता है, लेकिन मौका पाते ही सोमू वहाँ से भाग जाता है दोबारा से मरने के लिए। बेचारा सैम फिर उसे ढूंढता रह जाता है। वॉन्जो सोमू के डैड को बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, सोमू के लिए चिकन हम लोग ले आएंगे। जैसे ही वो लोग जाते हैं सारी शॉप तो बंद होती है, वहाँ पे कोई भी शॉप खुली हुई नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक ही शॉप खुली थी और उसका नाम होता है जुमानन किचन, क्योंकि जमाजन उनके आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस का भी नाम था, जिसे की गौरिन समझ आती है कि इसमें डायरेक्टर का कुछ न कुछ रोल तो जरूर है। हो सकता है कि वही उसकी हेल्प कर रही हूँ। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चिकन बनाने का सामान रखा हुआ होता है और कुछ भी नहीं होता। जैसे तैसे करके वो लोग सारा चिकन बना लेते हैं। साथ ही वॉन्जु गौरिन से वो चिकन वाली ड्रेस पहनने के लिए बोलता है, जिसे गौरिन नहीं पहनती, लेकिन वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है, और उसे पहनने के बाद दोनों कितने ज्यादा क्यूट लग रहे थे। वेल तो वो चिकन ले जाकर छोटे सोमू को पकड़ा देते हैं, छोटा सोमू उसे खाता है जो कि इसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही गौरिन ने उस पर यह भी मैसेज लिखा हुआ था कि फेलियर का मतलब है दोबारा ट्राई करना, ना कि हार कर चुपचाप बैठ जाना। ये लाइन सोमू के डैड उसको पढ़कर सुना रहे होते हैं, जिसका साफ मतलब ये है गाइस कि ये लाइंस गौरिन ने ही सोमू के लिए लिखी थी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो लोग फटाख से सोमू के पास में पहुँच आते हैं, उसे फ्राइड चिकन देते हैं जो कि बिल्डिंग से बस कूदने ही वाला होता है। लेकिन जैसे ही वो फ्राइड चिकन के ऊपर लिखे उस मैसेज को बॉक्स पे पढ़ता है, बोलता है कि तुम लोग को यहाँ पर वॉन्जो ने भेजा है ना, वो लोग भी हाँ बोलते हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये सोचकर कि उसका बेस्ट फ्रेंड अभी भी जिंदा है। साथ ही उसका सुसाइडल रेट भी काफी कम हो गया था और वो काफी खुश भी हो गया था। लेकिन अचानक से फ्राइड चिकन खाने के बाद रोने लग जाता है, क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल ही खराब था। वो लोग भी उसे टेस्ट करते हैं और थूक देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और वॉन्जो को दिखाया जाता है, जो कि अपनी एक विश पूरा करना चाहता था। वॉन्जो के डैड एक रिपोर्टर थे जो कि रिपोर्टिंग के लिए फॉरेन जा रहे थे, वहाँ से लौट कर कभी वापस नहीं आ पाए, क्योंकि वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। वॉन्जो को इसी बात का गम था कि वो आखिरी बार अपने डैड से मिल नहीं पाया था, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिजी जो था। वॉन्जो भागते हुए आता है और अपने छोटे वर्जन को उठाकर वहाँ से भागने लग जाता है, क्योंकि वो उसे डैड से मिलवाना चाहता था। भागते हुए छोटे वॉन्जो को बोलता है कि थोड़ा कम खाया करो, तुम बहुत ज्यादा भारी हो। डैड बस जा ही रहे होते हैं, उन्हें रोकते हुए बोलता है कि वॉन्जो आपसे मिलना चाहता है और वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सब कुछ बोलते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। छोटा वॉन्जो भी उसे घूरते हुए सोच रहा होता है कि मैंने तो ये सब नहीं कहा। साथ ही वो उनकी फैमिली फोटो भी खींचता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में उनके डैड के साथ में कोई फोटो ही नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा उन सबकी फोटो खींचते थे और इसलिए फ्रेम में आ ही नहीं पाते थे। वॉन्जो अपनी विश कंप्लीट होने के बाद बहुत ज्यादा सुकून में होता है। वहीं गौरिन का फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है कि वो जैकब के अंडर काम कर रही होती है, उसकी जूनियर होती है, जो कि जैकब के साथ क्रिमिनल के सोल को कनेक्ट करने के लिए गई हुई होती है, जो बस सुसाइड करने जा रहा था बिल्डिंग से कूद कर। गौरिन से ये देखा नहीं जाता है और वो उसे जाकर बचा लेती है, क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। लेकिन जैकब उसका हाथ छुड़वा देता है, जिससे कि वो मर जाता है, और ऊपर से वो गौरिन को बहुत ज्यादा डांट रहा होता है कि हमारा काम है मरे हुए लोगों की सोल को कलेक्ट करना, ना कि उनकी जिंदगी को बचाना। साथ ही वो गौरिन से काफी ज्यादा गुस्सा भी था, क्योंकि उसने उसे बिना बताए ही रिस्क मैनेजमेंट टीम जो ज्वाइन कर ली थी। सीन शिफ्ट होता है, गौरिन डायरेक्टर से मिलने के लिए गई हुई होती है, जो कि रूल तोड़ने के लिए गौरिन को पनिशमेंट दे रही होती है, क्योंकि उसने पास्ट में जाकर अपनी शक्तियों का यूज करके रूल तोड़ दिया था। सैम और वॉन्जो बाहर ही उसका वेट कर रहे होते हैं। वॉन्जो को काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा होता है, क्योंकि वॉन्जो के कहने पर ही गौरिन ने उसकी हेल्प की थी और इसलिए अब उससे सजा मिल रही है। जैसे ही गौरिन बाहर आती है, उसके हाथ में एक रिंग थी, जिसका साफ मतलब यही था कि वो 1 वीक तक अपनी पावर का यूज नहीं कर सकती है, लेकिन अगर उसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो वो धीरे धीरे वीक होती जाएगी और उसकी पावर्स भी सारी फिनिश हो जाएंगी, वो राख में बदल जाएगी। वॉन्जो उसे बार बार सॉरी बोल रहा होता है, जहाँ गौरिन बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी गलती का इतना ही ज्यादा पछतावा हो रहा है तो जाओ मेरे लिए जाके कॉफी लेकर आओ, जिससे कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये सुनते ही वो फटाक से कॉफी लेने के लिए पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे नारिन नाम की एक लड़की की आत्मा मिलती है। वॉन्जो इसे बहुत ही ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नारंग जानते थे कि वॉन्जो उसे देख सकता है, और इसलिए नारंग बहुत ही ज्यादा उठपटांग हरकतें करने लग जाती है, उसके साथ नाचने लग जाती है, और उसे देख कर लोग सोचते हैं कि वॉन्जो पागल हो गया है। दोस्तों, नारंग वही लड़की है जिसकी सोल को हॉस्पिटल में कलेक्ट करने के लिए जैकब और उसकी टीम गई हुई थी। जैकब जब गौरिन और उसकी टीम को बहुत ताने मार रहा था, नारंग को उसी टाइम रिस्क मैनेजमेंट टीम के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि ये लोग सुसाइड करने वाले लोगों को सुसाइड करने से रोकते हैं, जिसके बाद से ही वो वहाँ से भाग गई थी और जैकब और उसकी टीम से बचते हुए गौरिन और वॉन्जो को ढूंढ रही थी।
क्योंकि उसका हस्बैंड सुसाइड करने वाला है, वो उसे बचाना चाहती है और इसलिए उनसे हेल्प मांगती है। नारन के हस्बैंड जॉन के नेगेटिव रेट्स भी बहुत ज्यादा हाई हो रखे थे क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी लेकिन वो बच गया था और हॉस्पिटल में वो अभी एडमिट है लेकिन वो दोबारा से मरना चाहता है। नारंग उससे हेल्प मांग रही होती है जहाँ तभी जैकब अपनी टीम के साथ में पहुंच जाता है। नारंग वहाँ से डर के भाग जाती है, वॉन जो उसके पीछे चला जाता है। जैकब गौरन से नारंग के बारे में पूछता है लेकिन वो बोलती है कि मैं उसकी सोल तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरे केस से रिलेटेड है। जैकब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गौरन उनका गला दबाते हुए बोलता है कि तुम मेरी जूनियर रह चुकी हो तो बहुत ही अच्छे से जानती हो कि अगर मुझे सोल नहीं मिली तो क्या हो सकता है, मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद कर दो। ये बोलकर धमकी देकर उसे वहाँ से चला जाता है। वही नारंग बहुत ज्यादा दुखी होती है, सैम को अपने पास्ट के बारे में बता रही होती है कि वो एक बैली डांसर हुआ करती थी लेकिन ऑडिशन से पहले ही उसके पैर में चोट लग गई थी जिससे वो कभी दोबारा बैली डांस नहीं कर पाई थी। साथ ही उसका सपना भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था और इसलिए वो मरना चाहती थी लेकिन जॉन ने एक दिन उसे आकर बचा लिया था। जॉन एक स्ट्रीट म्यूजिशियन था और म्यूजिक ही उसकी लाइफ थी। जिंदगी का गुजारा करने के लिए वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था, साथ ही अपने सॉन्ग भी लिखता था। जॉन की ये सारी बातें नारंग को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी और वो उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। जॉन अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अकेला था और एक दिन उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी जहाँ नारंग ने इसका पूरा पूरा ध्यान रखा था जिससे कि दोनों के बीच में धीरे धीरे प्यार होने लग गया जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ गौरन डॉक्टर बनकर जॉन से मिलने के लिए गई हुई थी और उसकी पॉकेट में से पॉइजन की पिल्स निकालते हुए बोलती है कि डू यू रियली थिंक कि मरने के बाद तुम अपने लवर से मिल पाओगे। जॉन बोलता है कि नारंग की वजह से ही मेरी लाइफ खुशियों से भरी हुई थी लेकिन उसके जाने के बाद जिंदगी जीने का मेरे पास अब कोई मकसद ही नहीं रहा है। वैसे तुम चाहो तो ये पिल्स रख सकती हो अपने पास क्योंकि मरने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जॉन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि तुम जानना चाहते हो कि मैं मरना क्यों चाहता हूं? क्योंकि मैंने ही नारंग की जान ली है और यही मेरे मरने की सबसे बड़ी वजह है। ये सुनते ही गौरन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। गौरन अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रही थी जो कि राजा महाराजा के टाइम की होती है। गौरन की शादी एक मिलिट्री ऑफिसर से होने वाली होती है, दोनों साथ में होते हैं, काफी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। साथ ही वो बोलता है कि मुझे सिर्फ इसी बात का गम है कि शादी के बाद ही मुझे तुम्हें छोड़कर दोबारा से अपनी जॉब के लिए जाना होगा। वो बोलता है कि रेड कलर तुम्हारे पर बहुत ज्यादा सूट होता है और यही कारण है कि गौरन हमेशा रेड कलर का ही आई शेडो लगाती है। सीन शिफ्ट होता है, जॉन गौरन के साथ में था और वो उसे नारंग और अपने बारे में सब कुछ बता रहा होता है कि वो हमेशा साथ में रहते थे, साथ में घूमते थे, खाते थे, पीते थे और काफी ज्यादा मस्ती भी करते थे। वो लोग एक दिन समंदर की तरफ जा रहे होते हैं, गाड़ी में होते हैं। जॉन बहुत ज्यादा थका हुआ था क्योंकि उसने पूरी रात बैठकर एक सॉन्ग लिखा था और इसलिए गाड़ी नारंग चला रही थी लेकिन अचानक से उनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है दूसरे ट्रक वाले के साथ में क्योंकि वो झूठे ले रहा था और नींद में था। और इसी चीज का ब्लेम जॉन अपने ऊपर लेते हुए बोलता है कि अगर उस दिन गाड़ी मैंने चलाई होती तो आज ये नहीं होता, नारंग की जगह मैं होता। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वहाँ से चला जाता है। गौरन सीधे नारंग के पास जाती है जहाँ नारंग से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि वो हर हाल में अपने हस्बैंड को बचाना चाहती है जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी वहाँ पर जैकब की टीम पहुँच जाती है, गौरन नारंग को लेकर वहाँ से भाग जाती है और सैम उनका सामना करता है। उन सबके बीच में जबरदस्त फाइट हो रही होती है, सैम उन सबको हरा देता है क्योंकि उन सबके साथ में सैम का कुछ पुराना हिसाब बाकी था। जिसके बाद गौरन के ये पूछने पर कि जॉन अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार क्यों ठहरा रहा है, नारंग उसे बताती है कि जब जॉन का बर्थ हुआ था तो उसकी मॉम की डेथ हो गई थी जिसका दोषी उसके फादर उसे ही मानते थे और उन्होंने जॉन को कभी प्यार ही नहीं दिया जिसके थोड़े दिन बाद उन्होंने भी सुसाइड कर ली थी। जॉन बहुत ज्यादा अकेला हो गया था जिसके बाद उसके अंकल आंट ने ही जॉन का ध्यान रखा था, उनके साथ वो बहुत ज्यादा खुश भी था, वो लोग बहुत ही ज्यादा प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई जिसके बाद वो अपने आप को मनहूस समझने लग गया था क्योंकि वो जिसके भी पास रहता था वो सब लोग मारे जाते थे या हमेशा के लिए ही उससे दूर हो जाते थे, जिससे तंग आकर उसने बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश की थी लेकिन वो बच गया था। और एक दिन स्ट्रीट पर जब उसने म्यूजिक सुना जिससे कि उसे बहुत ज्यादा सुकून मिला, उसके बाद से म्यूजिक ही उसकी लाइफ बन गई थी। लेकिन जब एक दिन उसने उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाया था तो उनके पेरेंट्स का यही कहना था कि जॉन के पास एक अच्छी जॉब नहीं है और इसलिए नारंग कभी खुश नहीं रह पाएगी और ये बात जॉन ने भी सुन ली थी जिससे कि वो उसे छोड़कर वहीं पर चला गया था। जिसके बाद नारंग उसे मनाने के लिए जाती है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, वो काफी रो रही होती है। जॉन का दिल भी पिघल जाता है, वो भी उसे हक करते हुए बोलता है कि मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। सीन शिफ्ट होता है, वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे लेकिन जॉन वहां पर नहीं होता है जहां पर तभी जैकब पहुंच जाता है क्योंकि वो नारंग को लेने के लिए आया हुआ होता है। जैकब से बचने के लिए गौरन अपनी पावर का यूज करने लग जाती है
वो लोग यहाँ वहाँ हर जगह टेलीपोर्ट होने लगते हैं। लेकिन इससे गौरन काफी ज्यादा वीक पड़ जाती है और नारंग भी उनसे अलग हो गई थी। जैकबस उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सैम पहुँच जाता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट हो रही होती है, काफी लड़ रहे होते हैं, लेकिन सैम जैकब के सामने कुछ भी नहीं था। जैकबस उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी गौरन पहुँच आती है। बोलती है कि सैम को छोड़ दो, वो तो सिर्फ मेरे ही ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, क्योंकि इस रिंग के होते हुए मैं अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जैकब को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस नारंग की सोल को लेने के लिए आया हुआ होता है। उसे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, उसे लेने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी गौरन एक वर्ड बोलती है, रिपर गारंटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे सुनते ही जैकब रुक जाता है। बोलता है कि एक छोटी सी आत्मा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, ठीक है तो अब तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है, जो करना है करो। ये बोलकर वहाँ से गायब हो जाता है। सैम उस टाइम गौरन को रोक भी रहा होता है कि वो ये सब कुछ ना करे, लेकिन गौरन उसकी बात भी नहीं सुनती है। जहाँ वॉन्जो के पूछने पर सैम बताने लग जाता है कि रिपर गारंटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक बहुत ही बड़ा और डेंजरस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें गौरन की हेल्प करने के बदले जैकब जो चाहे वो उसे मांग सकता है, या फिर जो चाहे वो उसे करवा सकता है, या फिर कुछ भी ले सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट उनकी कंपनी से रिलेटेड नहीं था, और इसलिए डायरेक्टर भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगी, जिस बात से वो लोग और भी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जैकब किसी भी चीज की डिमांड कर सकता है। गौरन मुस्कुराते हुए वॉन्चो को बोलती है कि तुम ही बोल रहे थे ना मैं एक पत्थर दिल इंसान हूँ, शायद तुम्हें अब जवाब मिल गया होगा। जिसकी बात वो फिर से जॉन को ढोने लग जाते हैं। वही हम देखते हैं नारंग को जॉन मिल तो जाता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता और उसके आर पार चला जाता है। वही फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जॉन हॉस्पिटल से सीधा नारंग के फ्यूनरल पे पहुंचा हुआ होता है, लेकिन उसके डैड तो उसे अंदर आने ही नहीं देते हैं। बोलते हैं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आज मेरी बेटी मर गई है और हमारे साथ में नहीं है। वो हर चीज का ब्लेम जॉन को ही करने लग जाते हैं, जिससे जॉन के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। धीरे धीरे उसका सुसाइडल रेट बढ़ता ही जा रहा था, और वह सीधा मरने के लिए बिल्डिंग के टेरिस पे पहुंच जाता है, लेकिन बाहर गौरन उसे रोक लेती है। जॉन बहुत ज्यादा रोते हुए बोलते हैं कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं जीना नहीं चाहता क्योंकि मैंने ही नारंग को मारा है। गौरन उसे समझाते हुए बोलती है कि ये जिंदगी तुम्हारी नहीं बल्कि नारंग की दी हुई है, और इसलिए तुम नहीं मर सकते क्योंकि वो भी यही चाहती है कि तुम जिंदा रहो। जिससे कि ये पता चलता है कि जब उनका ट्रक के साथ में एक्सीडेंट होने वाला था, तो नारंग ने जानबूझकर गाड़ी जॉन के साइड में मोड़ दी थी ताकि वो बच जाए, और नारंग वहाँ पर मारी गई थी। ये जाने के बाद तो जॉन और भी बुरी तरह से रोने लग जाता है। बोलता है कि ऐसा मुझ में क्या ही खास है जो कि उसने मेरे लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी। ये बोलते ही वो वहाँ से कूद जाता है, लेकिन तभी गौरन उसे सही टाइम पर पकड़ लेती है और अपनी सुपर नेचुरल पावर का यूज करते हुए नारंग के टच को मैजिकल टच बना देती है, और जैसे ही वो जॉन को छूती है तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। नारंग जॉन को समझाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें हम दोनों के हिस्से का जीना होगा ताकि हम दोबारा मिल सकें। जॉन रोते हुए बोलता है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, जहां नारंग कहती है कि मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ, बस यही चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से ही एंजॉय करो, जैसे ही तुम्हारा टाइम पूरा हो जाएगा हम दोनों एक बार फिर से मिलेंगे। ये बोलते ही वो उसे रिंग पहना देती है, जिससे जॉन को काफी ज्यादा हिम्मत मिलती है और उसके नेगेटिव रेट्स भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुके थे। लेकिन अपनी पावर का यूज करने की वजह से गौरन वीक हो जाती है और बेहोश हो गई थी। वॉन्जो भी वहाँ पर पहुँच गया था। नारंग उन सबको थैंक्स बोलती है और फिर जैकब की टीम के साथ वहाँ से हंसी खुशी चली जाती है। वॉन्जो तो उन सबको देख के काफी इमोशनल हो गया था। जॉन भी अब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नारंग और म्यूजिक की यादों के सहारे ही अपनी जिंदगी जीने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है, जैकब को दिखाया जाता है, जिसे डायरेक्टर बहुत ज्यादा डांट रही होती है, क्योंकि उसकी टीम और रिस्क मैनेजमेंट टीम के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े हो गए थे, जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जैकब भैया तो भाई अपनी ही हेकड़ी में रहते हैं। बोलते हैं कि लाइफ की प्रॉब्लम्स को झेलने से ज्यादा लोग सुसाइड का रास्ता चूज करते हैं, क्योंकि ये उन्हें काफी ज्यादा आसान लगता है। डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और यही मेन वजह है कि मैंने गौरन को चूज किया है इन सब के लिए। जहाँ तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट टीम डायरेक्टर ने इसीलिए बनाई थी क्योंकि नर्क में भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, और सबसे ज्यादा केस तो सुसाइड के ही थे, जिसका सिर्फ एक ही इलाज था और वो है होने वाले सुसाइड्स को रोकना, और इसीलिए उन्होंने फिर रिस्क मैनेजमेंट टीम बनाई थी, जिसका मैनेजर उन्होंने गौरन को रखा था, जो पहले जैकब की असिस्टेंट थी और उसकी स्क्वाड टीम में थी। यही कारण है कि जैकब उसे नफरत करता है। अब रास्ते में उसे गौरन मिल जाती है, जिसे वो कहता है कि आई होप कि तुम्हें अपना एग्रीमेंट याद होगा। वो भी बोलती है कि फिक्र मत करो, तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जिसके बाद वो डायरेक्टर को देने के लिए नारंग और जॉन की रिपोर्ट बना रही होती है, जिसमें वॉन्जो भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। साथ ही उससे पूछता है कि जॉन ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो कि उसे प्यार करने वाले सब धीरे धीरे होकर उसे दूर होते गए।
गौरन उसे समझाते हुए बोलती है कि इंसान की लाइफ टाइम वैसे तो पहले से ही तय होती है, लेकिन सुसाइड या फिर एक्सीडेंट से वो चेंज हो सकती है। जैसे कि जिस ट्रक ड्राइवर से नारंग की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, अगर वो थका हुआ नहीं होता और सोया नहीं होता तो नारंग जिंदा होती। लेकिन इसमें फिक्र करने वाली बात नहीं है, क्योंकि नारंग और जॉन सोलमेट्स हैं और इसलिए वो दोबारा जरूर मिलेंगे। वो लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक लाल धागे से बंधे हुए हैं। सोलमेट हर जन्म में एक दूसरे से मिलते हैं और जिनका मिलना सिर्फ और सिर्फ तभी बंद हो सकता है जब उनमें से कोई एक सुसाइड कर ले और नर्क पहुंच जाए, क्योंकि सुसाइड करने के बाद ही नर्क में उन्हें ये सजा दी जाती है कि वो अपने लव वन से दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। जिसका साफ मतलब यही हुआ दोस्तों, ना तो कभी सुसाइड करना चाहिए और ना ही कभी सुसाइड करने वालों का साथ देना चाहिए, बल्कि उसे रोकना चाहिए। सो गाइस, यहीं पर इन एपिसोड का दी एंड होता है। आगे की क्या स्टोरी होने वाली है, गरन और वंश मिलकर इस कुत्ती को सुलझा पाएंगे या नहीं, और कौन कौन से इंटरेस्टिंग राज हैं जो कि ये सब लोग एक दूसरे से छुपा रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं तो फटाक से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड भी चाहिए, मैं उसे जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, क्योंकि इसका लाइक एम 1000 है एंड आई एम 100%